Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. And as you have read in the title, today is my girls' vaccination day. Today is going to be an injection. And in this video, I am going to discuss everything about vaccinations. Many people don't know a lot of people. You know, कब से वैक्सीनेशन स्टार्ट होते हैं और वैक्सीनेशन का मतलब इंजेक्शन ही होते हैं. जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ये चीज़ उनके लिए थी. लोगों को नहीं पता होता कि कब पहला इंजेक्शन लगना होता है या फिर उसके बाद वैक्सीनेशन कब होता है, कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं. तो आपके डॉग को जो भी दवाई दे रहा है, वेट या फिर कोई भी दे रहा है या आप खुद दे रहे हो, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पहले पता होना चाहिए. अब चाहे वो एक नॉर्मल सी मेडिसिन है या फिर वैक्सीनेशन है. So, आज जो स्नोई थी ऐसा को लगने वाला है, that is gonna be 7-in-1 और उसको एक और रेबीज और लगने वाला है, I mean इन दोनों को and कोरोना वायरस. ये तीनों वैक्सीनेशन लगेंगे इन दोनों को. तो I'm gonna explain जो 7-in-1 है, it covers the 7 diseases, normal जो पार्वो वायरस and all जितने भी normal होती हैं. मैं ज़्यादा deep में नहीं जाऊँगा वरना ये बहुत complex हो जाएगा. तो जो 7-in-1 है उसमें बेसिक सारी डिजीज़ कवर हो जाती हैं. उसके बाद आता है कोरोना वायरस. कोरोना वायरस बहुत अलग है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर से अभी के टाइम में व्हेन इट इज़ रेड अलर्ट इन चाइना ड्यू टू कोरोना वायरस. वहाँ पर कुछ मीट खाने की वजह से लोगों ने, आई गेस सो उन्होंने अच्छे से उसको पकाया नहीं होगा. इट इज़ बेसिकली फाउंड इन एनिमल्स ओनली. तो उसकी वजह से वो इंसानों में आ गया. वहाँ पर सबसे पहला केस आया था. इट हैज़ बीन सील्ड अब. तो अभी मुंबई में भी ऐसे केसेस आ गए हैं इंडिया में. तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके डॉग को ऑलरेडी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन हुआ है उसका, तब भी मैं बोलता हूँ कि एक और बार जाकर लगवा लीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. कोरोना वायरस कैन बी लीथल, आपके डॉग के लिए डेंजरस हो सकता है अगर ये आ जाए. तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आता है रेबीज़, एंटी रेबीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप एंटी रेबीज़ नहीं लगवाते हैं तो आपका डॉग को रेबीज़ हो सकता है. और बहुत आई वुड नॉट से ईजिली, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज यू डोंट नो द अदर डॉग कि वो एक रेबीज़ कैरियर है या नहीं. ज़रूरी नहीं है हर डॉग जिसका यू नो हु इज़ नॉट हैविंग हिज सेंसेस ऑन या फिर उसकी हालत एक रैबिट डॉग की तरह हो, ज़रूरी नहीं है वही रेबीज़ कैरी करे. एक नॉर्मल डॉग भी कैरी कर सकता है रेबीज़. तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दिस. प्लीज़ आपका डॉग अगर नहीं है, उसको एंटी रेबीज़ नहीं लगा है, तो प्लीज़ डू दैट. हम तो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी सबको एंटी रेबीज़ लगा कर रखते हैं. रिसेंटली हमारी कॉलोनी में दे वर सम डॉग्स हु वर कैरिंग रेबीज़ और एक दो तो प्रॉपर रैबिट डॉग्स आए थे. तो वी क्वाइट टुक केयर ऑफ दैट. And these are my girls. They are chilling out, as you can see. इनको ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद है. They like it. स्नोई को तो मैं काफ़ी बार अपने साथ लेकर ही जाता हूँ. थियसा को मैं कम लेकर जाता हूँ बिकॉज इन द समर्स इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर हर और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट यू नो टू कीप द ट्रैक ऑफ द वैक्सीनेशंस. और वैक्सीनेशन आपको बहुत अच्छे से करवाना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. जब भी आप कोई भी वैक्सीनेशन करवाने लेके जाते हैं अपने डॉग को, कोशिश कीजिए कि उसने कुछ खाया ना हो. आई एम टेकिंग देम, द टाइम इज़ अराउंड 11, सो इट इज़ ऑलमोस्ट द मॉर्निंग टाइम. मैंने इनको कुछ खिलाया नहीं है. तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप डॉग को कुछ ना खिलाएं. जो फर्स्ट वैक्सीनेशन लगता है दैट इज़ अराउंड व्हेन योर डॉग इज़ अराउंड when it's a puppy, 45 to 55 days around एक puppy होता है तब उसको पहला vaccination लगता है. और उस साल में in that year उसको काफ़ी सारे vaccinations लगते हैं. पर जब dog you know when it gets adult तो उसको साल में सिर्फ एक बार vaccinations की ज़रूरत होती है. they are not scared, they have never been scared injections या फिर किसी भी चीज़ से. स्नो ही तो फाइटर रही है, उसको तो you know शी हैड कैंसर ऑल्सो. उसको ट्यूमर था और उसके बाद उससे पहले उसको पार्वो भी था. मतलब जब मैंने उसको अडॉप्ट किया था तब उसको पार्वो था. तो यू नो शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल विद ऑल द नीडल्स एंड ऑल द सिरिंजेस. तो उसको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है. थियसा इज़ ऑल्सो कूल, उसको भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है.
जस्ट टेक केयर कि आप कोई भी वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसके बाद जैसे ही कोई भी इंजेक्शन आपके डॉग को लगता है तो उसके बाद आप उसको उस एरिया को बहुत अच्छे से रब कर दें, बहुत ज़रूरी होता है वरना क्लॉट हो सकता है। तो जो बेसिक इंजेक्शन होते हैं, जितने भी ये वैक्सीनेशन होते हैं, ये आते हैं आपके 400 से 600 रुपए के बीच में, फ्रॉम 400 रुपीज़ टू 600 रुपीज़ आपको ये मिल जाएंगे। यू गो टू एनी वेट, आई एम टेलिंग यू द नॉमिनल फ़ी फॉर द वैक्सीनेशंस। काफ़ी लोग इससे ज़्यादा भी लेते हैं, आई हैव सीन वेट्स टेकिंग 1200 रुपीज़ फॉर सम इंजेक्शंस। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डॉग्स की, यहाँ पर कैट्स के जो इंजेक्शंस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो या दिस इज़ इट, 400 से 600 के बीच में आपको सारे वैक्सीनेशंस आपके डॉग के लग जाएंगे। और अगर आपका पपी है तो यू हैव टू मेक अ गुड बजट वैक्सीनेशंस के लिए। पहले साल में उसको ऑलमोस्ट 6 इंजेक्शंस के अराउंड उसको लगने होते हैं। काफ़ी सारे वेट्स मैंने देखा है वो बोलते हैं कि कोरोना वायरस मत लगवाओ, ज़रूरत नहीं है, या केनल कफ मत लगवाओ, नहीं है ज़रूरत। पर डोंट डू दैट, केनल कफ कभी भी हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है वैसे ही केनल कफ होता है इन डॉग्स। तो यू हैव टू टेक केयर, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला है और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, लोगों की रेड अलर्ट भी हो चुका है, तो इस समय कोरोना वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही केनल कफ भी हो सकता है। केनल कफ तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, वो किसी भी डॉग को हो सकता है, स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ज़्यादा होता है, पर यू हैव टू टेक केयर, यू नो। मैं बस आपको यही बोलूँगा कि कोई भी वैक्सीनेशन आप मिस मत कीजिए। अगर वैक्सीनेशन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है आपके वेट को, देन प्लीज़ चेंज योर वेट, ही इज़ नॉट बीइंग कूल, ही इज़ नॉट गुड। And yeah, that is it for the video. I hope you kind of enjoyed it. आपको अगर कुछ भी doubts हैं या फिर कुछ भी जानना है तो you can ask me in the comment section below. I hope you are following me on my Instagram. अगर नहीं कर रहे हैं तो description box में है उसका link. So you guys can just go and check it out. Check out my other rescues also. So just take care of your family, your pets and yourself also. घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. And don't forget to be wild.